अब वो हर बार आप कंडीशन चेक कर दिए। अब कंडीशन स्टेट की क्या है, जीरो। आपने कहा कि वो इज इक्वल टू वन होना चाहिए, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स वाले कॉलम में चला जाएगा और एलईडी को बंद रखेगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि वो उसी कंटिन्यूस रीडिंग्स में आपने बटन को प्रेस किया और वो स्टेट वन हो गई। अब वो कंडीशन ट्रू हुई, वो अंदर गया देन वाले फेज में, एलईडी को ऑन किया और वो उसने एल्स वाले को कैंसिल करके दोबारा स्टेट ऊपर मतलब लाइन 12 पे चला गया। लूप है ना, रिपीटेड है। 1 सेकंड के लिए उसने एलईडी ऑन की, देन की उसने एलईडी ऑन की, गया ऊपर गया। अब फर्ज करो आपने जैसे ही वो देन फॉर इंस्टेंस आपने हल्का सा दबा के उठा दिया, अब वो क्या करेगा, वो फिर ऊपर जाके चेक करेगा कि अब स्टेट के बटन की, तो अगर आपने हाथ हटाया हुआ है और बटन ऑफ है तो दोबारा जीरो हो जाएगा। तो जब दोबारा जीरो हो जाएगा तो वो फिर से देन वाली कंडीशन को फॉल्स करेगा, एल्स वाले स्टेटमेंट में चला जाएगा और एल्स में जाके वो दोबारा लॉक कर देगा। तो ये जो आपने कोड लिखा है, ये कोड आपका इस तरह चलेगा कि आप बटन को जितनी देर प्रेस करके रखोगे वो ऑन रहेगा, एलईडी ऑन रहेगी, और जैसे ही आप बटन से हाथ उठाओगी एलईडी ऑफ होगी। तो समझ ये आई कैसे या? करें? हाँ, ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इट इज अ गुड ट्राई, आपने भी ट्राई की, हम लोग ट्राई करेंगे। और मेरा ख्याल है कि वही वाला कोड है जो आप लोग उस दिन के कहते हैं, फ्राइडे को आपने मुझे कहा था कि चेक करें रन नहीं हो रहा। जैसे वो हमारा बटन प्रेस भी करो और फिर भी नहीं हो रहा था। आप लोगों ने इसमें सीरियल डॉट बिगिन लिखा था जो मैंने आप लोगों से कहा था, नो सर, देखा? छोटा सा मसला था, पर उससे भी ज्यादा मतलब था कि आप लोगों को कोड में क्यों, क्योंकि आपका कोड उसका परफॉर्म ना होता। उस सूरत में ये होना था कि आपकी जब तक बटन ऑन होता तो आपकी एलईडी ऑन रहती, और जैसे ही बटन ऑफ होता है एलईडी ऑफ हो जाती, तो वो सिंपल बटन वाला काम करता, उसमें मतलब वो दूसरा काम ना करता। वो जो डिले 1 सेकंड के आपने बताया था कि एंड पे जी लिखो कैमरा को, तो देखो, उससे भी वो ऐसा है ना कि अभी जो मैंने आपको तो बात बताई है कि ये चीज कॉन्टिन्यूसली आपसे इनपुट्स ले रही होगी, ठीक है। अब वो बटन से कॉन्टिन्यूस इनपुट्स ले रही होगी, कॉन्टिन्यूसली क्या आ रहा होगा, अगर बटन ऑफ स्टेट में 0 0 0 0 0 0, अगर हम लोग ये बिल्कुल लाइन 19 वाली पे जाके लिखते डिले और यहाँ पर लिखते 5000, तो वो 5 सेकंड के लिए आपसे दोबारा इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि वो स्टेट लाइन नंबर 12 पे 5 सेकंड के लिए नहीं जाएगा। तो उतनी देर के लिए आपकी एलईडी, वो आपका वो जो बटन है ना, अब जाहिर है आपको कुछ, अब आप ह्यूमन एरर ह्यूमन हो, तो आप जब उस बटन को प्रेस करोगे तो कुछ ना कोई टाइम तो लेगा ना वो प्रेस करने में, चाहे बहुत कम टाइम भी लो, आप लोगों को आधा सेकंड भी लगे, पर आधा सेकंड तो लगेगा ना उस चीज को ऑन या ऑफ करने में। अगर फर्स्ट को जो आप लोग बटन यूज गए थे उसको ऑन करके वापस ऑफ करने पे बहुत मिनिमम टाइम भी जाए तो ऑफ हो तो क्या होगा, आधा सेकंड लगेगा। अब उस आधे सेकंड में ये हजारों इनपुट्स ले देते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर हो, तो आपका वो कोड फंक्शन सही नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जरा इस तरह ट्राई करो कि आप अपने कोड में ना 5 सेकंड का डिले डालो। वो 5 सेकंड के डिले से क्या होगा कि वो हजारों, वो जिस वक्त आप कहते हैं इनपुट लोगे या जो भी करोगे, वो 5 सेकंड रुकेगा अगली इनपुट लेने से पहले। तो वो मतलब वो जो वो बटन यूज करे थे उससे आपका ये, तो इस वजह से मैंने कहा था कि थोड़ी देर मतलब उस कंप्यूटर को रोकने के लिए कि वो अगली इनपुट से पहले आपको थोड़ा टाइम दे आपको फंक्शन परफॉर्म करने का, आप ये वाला काम करो। बट चलो, वो भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा कि वो किस तरह वर्क करेगा। मुझे 1 मिनट में एक मैसेज करना है। पर मतलब कुछ ना कुछ हो जाता अगर आप उस सीरियल बिगिन वाला, और इसमें जाहिर है वो आपके पास बटन नहीं था तो जिसमें वो इसलिए वर्क नहीं किया। अच्छा निम्रा, आपकी बात।
सबसे पहले हमारे पास गेट आ गया, पिन मोड आ गया है, पिन मोड नीचे करें। ओके, ये तो चलो सेम ही कोड है। इसमें भी वही चीज होगी जो मैंने अभी फिर से मुझे एक बार फिर टीचर बता दो किसका बोलना है, नाम किसना प्रोनाउंस करना था, मैंने फिर से गलत बोलना चाहता, मुझे कॉन्शियस कर दी। नहीं निम्रा वो मोसीरा फिर से सॉरी, नाम मुझे समझ आने में देर लगती। अच्छा हाँ, एक मिनट निम्रा, अच्छा निम्रा कोड आपका तकरीबन सेम ही है, वो डिजिटल रीड स्टेट वन हो गया और देन एल्स वाला हिसाब है। मैं वही थोड़ा सा आप लोगों ने ना उस चीज को, मैं वही वही बात है, अभी प्रैक्टिकल लॉजिक इतनी ज्यादा नहीं है, ये आप लोग परफॉर्म करते वो चल जाता तो आपको समझ लगती कि आप लोगों की चीज कहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो जस्ट टू एक्सप्लेन यू गाइज, आप दोनों का कोड सिमिलर है और ये चीज प्रोबेबली वो काम नहीं करेगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक और काम जो मैंने आपको कहा है कि बटन दबा के रखोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, बटन से हाथ उठाओगे तो लाइट ऑफ हो जाएगी, तो वो वाला काम जरूर करेगा। वो भी शायद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सीरियल डॉट बिगिन आप लोगों ने लिखा नहीं है 9600 वाला, सर बट जी सर सीरियल डॉट बिगेन के अलावा बाकी जो कोड है वो सही है या नहीं? नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो आपने कोड लिखा है वो काम नहीं करेगा जो मैंने आपसे कहा है, बट एक और काम कर लेगा कि आप बटन को दबाओ और एलईडी ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बटन से हाथ उठाओगे एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये वो कोड नहीं है जो मैं चाहता था, ये आप लोगों ने डिफरेंट कोड बनाया, सही बनाया पर एक डिफरेंट कोड। और सर जो ये कोड है ये कौन सा काम करेगा? ये आपको, अब मैंने आपको ये बताया कि आप जब क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बटन और एलईडी लगा हुआ है, तो जैसे ही आप बटन, अब जो वो मैं आपको बटन अलग करें मुझे मिल जाए, बटन में लाऊंगा मैं आपको बटन दिखाऊंगा, आप उस बटन को देखिएगा कि आप वो बटन ऐसा है कि जब आप बटन को प्रेस करोगे, बल्कि आप नेट पे सर्च कर लेना मोमेंटरी पुश बटन या पुश बटन सिंपल से, तो आप देखोगे सिंपल एक ऊपर ना कहते हैं एक स्विच सा बना होता है, उस स्विच को जैसे ही आप दबाओगे ना वो ऑन हो जाएगा, पर जैसे ही उससे हाथ उठाओगे वो दोबारा जीरो ऑफ की स्टेट में आ जाता है, तो वो मतलब कंटिन्यूअसली वन नहीं रहता, कंटिन्यूअसली ऑन नहीं रहता। अब ये जो आपने कोड देखा है ये क्या करेगा कि जैसे ही आप बटन दबाओगे लाइट ऑन हो जाएगी, पर जैसे ही उस बटन से हाथ उठाओगे लाइट दोबारा ऑफ, तो वो रुकेगी नहीं, मतलब ऑन नहीं रहेगी। जैसा मैंने तो आपको कहा था ना कि एक दफा आप बटन दबाओ तो वो ऑन हो जानी चाहिए, अगली बार जब आप बटन दबाओ तो वो ऑफ हो जानी चाहिए। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप बटन दबाओगे तो ऑन तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बटन से हाथ उठाओगे वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब अतीक भाई आप ठीक है, निम्रा आपका और उनका सेम से आप लोग थोड़ा सा इक्का दुक्का गड़बड़ कर रहे हो, बट चलो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अतीक भाई आपका हुआ ओपन हुआ? ओके, यस सर करता। अच्छा एलईडी आपने 13 रख दी, ओके 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 ओके, स्टेट आपने रख दिया सही हो गया, पिन मोड में आपने लूप में आ पाए, आपने क्या किया स्टेट डिजिटल रीड बटन कर दिया, स्टेट इज इक्वल टू 1, डिजिटल टू 13 आए, एल्स इफ स्टेट इज इक्वल टू 2। प्रतीक भाई कोशिश आपने अच्छी की है, आपने थोड़ा सा अपना कोई दिमाग को जरा सा यूज तो किया है, लेकिन गड़बड़ ये कर रही हो कि स्टेट मैंने जिस आपको बताया था ना कि बाइनरी लॉजिक जो होती है इसमें सारा बाइनरी का काम होता है, तो बाइनरी क्या होती है 1 और 0,
तो इसमें बटन की स्टेट 2 हो ही नहीं सकती, या वो 1 होगी या वो 0 होगी। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ करते हो कि इफ से एल्स इफ स्टेट 2, ये अब कंडीशन आपने सही लगाई है कि आप मतलब इस कंडीशन को थोड़ा सा और पॉलिश करते या थोड़ा सा इस पे और थॉट प्रोसेस लाते, या ऑब्वियसली इन फ्यूचर जब आप थोड़ा सा इस पे बेहतर हो जाओगे, आपने थॉट सही लगाई कि एक एल्स इफ लगा के कोशिश किया जाए, वन ऑफ द वेज के भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्टेट 2 आपने बोल दिया वो थोड़ा सा ना वहां चीज खराब होगी, क्योंकि स्टेट कभी भी 2 नहीं होगी। स्टेट आपकी या 1 रहेगी या 0 रहेगी, या हाई रहेगी या लो रहेगी, या ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। तो ठीक है, अच्छी ट्राइज थी, मतलब आप लोगों की वो ज्यादा इतनी वो हार्डवेयर लॉजिक नहीं थी, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम इस चीज को एक बार ट्राई करते हैं और फिर अगला जो आपको कोड दूंगा तो आप लोग को होपफुली को बेटर समझ आएगा। ठीक है दीप भाई, आप बता सकते सही है सर, ठीक है। हैं। अच्छा आप ये अपना बंद कर दो तो मैं करूँ। सर ये रुक जाओ, मैं अपने बड़े को कर लेता हूँ आपका। अतीक भाई ऊपर लिखा हुआ आएगा स्टॉप शेयरिंग, उस पे क्लिक यहाँ करें। ऊपर, हाँ ऊपर टॉप पे देखो, ऊपर पास अच्छा अच्छा में। अच्छा अच्छा सही है, ठीक ओके अच्छा, मैं अब अपना वाला खोल लूँ। अब हम लोग शुरू करते हैं और इसकी जरा सी हम लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग, जो मैं आप लोग बताया भी था, आसानी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बटन या एंड एलईडी, इसको मैं अपनी मर्जी के एलईडी इसको हम लिख देंगे 7 नंबर पिन के साथ। ओके तो फिर मैं कह देता हूँ एंड बटन नंबर पिन पे लगा देते हैं। अब हम लोग जाके नीचे एलईडी और बटन को बताएंगे कि वो है क्या चीज, तो हम कह देंगे कि क्या फंक्शन का नेम था, फंक्शन का नेम क्या था, कोई मुझे बता सकता है जो मुझे भूल गया, मैं वैसे खुद क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे साथ में भूल गया। सेटअप में फंक्शन पिन पिन मोड था सर। लिख देंगे। अच्छा अतीक भाई, यहाँ पर आपने किया था, आपने ऊपर एलईडी और उसको करके ना आपने नीचे भी 7 लिखा हुआ था। अगर आप लिख दोगे ना एलईडी इज इक्वल टू 7 जितना आपने किया हुआ था अपने वाले, तो यहाँ पर भी फिर आप एलईडी वाला यूज करो, वो जरा आसान हो जाता है, बंदे को समझ लग जाता है कि जरा पूरे बोर्ड में किसका काम चल रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो, आपने यस लिखा हुआ yes. था 7 और आउटपुट, तो आप उसकी जगह एलईडी भी लिख सकते थे जिसका, ठीक है, या यस जो भी सर, आपने नाम यस सर, रखा है। ओके एलईडी हमारा आउटपुट आ गया। अच्छा हमने बना लिया लॉजिक, तो सबसे पहले चीज हमारा ये है कि हम उसके कहते हैं कि हमें डिजिटल रीड करना है, जिसके लिए हमें कोड वेरिएबल बनाएंगे जो कि इसको हम टेम्परेरी 0 वैल्यू दे देते हैं।
ऑब्वियसली आप पर स्टेट बोर्ड बटन से जो डिजिटल सर इसका क्या मतलब है स्टेट इज इक्वल टू जीरो? ये इसका मतलब इसको ना मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ। इनिशियलाइज करने का मतलब होता है, अब मैं अगर फर्ज करो इसको लिखूंगा ना, अब मैंने लिख दिया स्टेट इज इक्वल टू जीरो, तो अभी स्टेट की वैल्यू जीरो है जब तक उसके अंदर कोई नई वैल्यू नहीं आती। वैसे अगर मैं ये ना भी लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने दिमाग के सुकून के लिए कि आपको पता हो कि एक चीज की वैल्यू क्या है, मैंने उसकी वैल्यू रख दी, मैंने अपनी सुकून के लिए रख दी उसकी जीरो के। अभी फिलहाल स्टेट की वैल्यू जीरो है जब तक उसमें कोई और वैल्यू नहीं जाए। तो मैंने आपको बताया ना, या जीरो होगी या वन होगी, तो हर चीज ऑन होने से पहले ऑफ होती है। तो इस वजह से मैंने कह दिया कि जब तक वो ऑन नहीं हो रही, स्टेट इज इक्वल टू जीरो का मतलब है वो ऑफ। आज आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारी लॉजिक के लिए सबसे पहली हमारी लॉजिक है कि हम लोग कह रहे हैं कि अगर बटन इफ स्टेट इज इक्वल टू वन तो लाइट, तो हम कह रहे हैं कि आप करते हैं डिजिटल लाइट अब हमारी 10 की स्टेटमेंट बात। यहां तक तो चलो हमारी स्टेटमेंट बन गई है डिजिटल बार। अच्छा, इसके साथ में ना ताकि वो एकदम से ऊपर उछल के ना चला जाए और दोबारा से अभी उसको जीरो ना कर। अब यहां पर मैंने फिलहाल एल्स की स्टेटमेंट नहीं डाली क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उसको एकदम से, अगर मतलब वापस जाए और जिसना आप लोगों ने किया होता ना कि एल्स, तो वो एकदम से ऊपर जाए जाके दोबारा स्टेट की रीडिंग ले। अगर मैंने बटन से हाथ उठाया हुआ स्टेट हो जाएगा जीरो और फिर क्या कहते हैं एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो फिलहाल मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि बटन दबे एलईडी ऑन हो और ऑन ही रहे 5 सेकंड, ऑफ वो फिर भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली अब वो ये होगा कि बटन, अच्छा हाँ इसमें ये बोला जाएगा कि अगर जाने वो लूप में वापस आएगी तो वो ऑफ हो जाएगी, स्टेट हो सर जाएगी। क्या हुआ? सर इससे ये नहीं होगा कि ये 5 सेकंड तक ऑन रहेगी अगर डिले 5000 लिखे हम हाँ, तो? 5 सेकंड तक ऑन रहेगी और उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगी, ऑब्वियसली यही होगा। से नहीं क्या तो है हमने ये मतलब? कर हाँ बोलो। सर लेकिन हमने ये करना था जब तक हम बटन दूसरी दफा न दबाएं उस वक्त तक ये ऑफ नहीं होनी चाहिए, तो ये फाइव सेकंड तक तो फिर ऑन ऑफ हो जाएगी। अब यही हमें इशू क्रिएट। तो अब हमने ना यहाँ से लॉजिक क्रिएट करना शुरू कर दिया कि हम कैसे एक ऐसी लॉजिक बनाएं कि ये हर वक्त ऑन रहे जब तक ये वो क्या कहते हैं वापस के कहते हैं इसको बटन नहीं दबा। तो हम क्या लॉजिक बना सकते हैं, यही हमने सोचना है। ठीक है, हम सोचते हैं इसको, आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचूंगा क्योंकि तो मैंने भी नहीं तैयारी करके आया, तो थोड़ी लॉजिक बन जाएगी लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस सूरत में तो ये होगा कि 5 सेकंड के बाद वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, 5 सेकंड ऑन होगा फिर ऑफ हो जाएगा क्योंकि स्टेट फिर जीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि वो दोबारा बटन ऑन प्रेस करने पर ऑफ। थोड़ा सा मुझे भी टाइम है, मेरा भी प्रोसेसर स्लो हुआ हुआ है, मैं भी 2 दिन से अंधा वाला फार हो रहा हूँ, तो जरा सा और लॉजिक बन रही है जहन में। आप लोग भी बनाओ, क्या पता आप लोगों का, आप लोगों को समझ, आप लोगों का ज्यादा दिमाग से चल रहा हूँ। ओके सर मैंने वर्क करते हुए इसके बारे में बहुत सोचा था लेकिन समझ नहीं आई। होगा इंशाल्लाह बंद।
ऐसा कुछ देखना है कि स्टेट वापस जीरो पे भी चली जाए तो वो वो पास कोई आइडिया नहीं इस पे, ये चीज वापस यहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे जाएगी। जब वो इस पॉइंट पे जाएगी और आपका बटन से हाथ उठा हुआ होगा तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो लाइट हर सूरत ऑफ हो जाएगी। हमने कोई ऐसा जुगाड़ करना है कि तब तक लाइट दोबारा ऑफ ना हो जब तक हम बटन ना दबाएं। अब यहाँ पे तो हर सूरत बटन लाइट को ऑफ करेगा ही करेगा, तो मैं भी अभी लॉजिक सोच रहा हूँ क्या ऐसी कौन सी लॉजिक कर सकें कि वो हो जाए। सर 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 मैंने, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर, इसमें अगर हम इफ एल्स में भी, अगर स्टेट जीरो में भी अगर एलईडी हाई रखे और उसके बाद दोबारा इफ एल्स कंडीशन लगा के फिर स्टेट इज इक्वल टू वन कर ले और उसमें फिर एलईडी को लो कर ले, आप कह रहे हो दो इफ कंडीशन लगा दो, यस सर। अच्छा मुझे 2 मिनट दे, आप लोग भी सोचें, मैं एक छोटा सा काम करता है आप।